खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में हाई कोर्ट के आदेश पर एडीजे सात शक्ति सिंह ने 28 वर्षीय पुराने रामपुर तिराहा कांड में मामले को लेकर सुनवाई की थी, जिसमें बता दें कि कोर्ट में पेश न होने पर 23 पुलिसकर्मी के खिलाफ ही गैर जमानती वारंट जारी किया, साथ ही एक आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया गया। रायनी की न्यूज श्रेणी के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। वकील साहब, रामपुर तिराहा हत्याकांड में आज कोर्ट ने गैर वारंट जारी किया है, क्या पूरा मामला था, कब का यह मामला था? 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा जो स्थान है उस पर एक बड़ी घटना हुई थी। इसके संबंध में एक मामला थाना छपार पर दर्ज किया गया था, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने इसमें विवेचना की थी। वर्तमान में ये मामला हमारे जनपद में माननीय शक्ति सिंह जी न्यायाधीश हैं, उनकी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट नंबर 7 में। और इसमें अभियुक्तगण काफ़ी लंबे समय से उपस्थित नहीं आ रहे थे और आज इसमें माननीय न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट जारी किए हैं तथा 82-83 कार्रवाई भी शुरू की। कितने लोग थे इसमें जो वारंट हुए? इसमें नामजद अभियुक्त में वर्तमान में 28 लोगों के खिलाफ ये मामला विचाराधीन। तो अभी आगे भी इसी तरह चलता रहेगा? बिल्कुल, अभियोजन हमारा शासन प्रशासन लगातार ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इन मामलों बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और हमारे शासकीय अधिवक्ता परविंदर जी और जोगेंद्र जी लगातार इन मामलों को देख रहे हैं।